हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करना चाहते हैं हम फैन इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं हमारा पॉइंट ऑफ एम्फोसिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है हमारा पॉइंट ऑफ एम्फोसिस किसी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के ऊपर है तो वी हैव टू बी क्लियर कि जब हम एविडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो विच सेक्टर एंड इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ताकि उस सेक्टर और इंडस्ट्री के हालात और वाक्यात के मुताबिक हम अपना डाटा कलेक्ट वो करें द सेकेंड थिंग वी नीड टू सी जब हम एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं एंड दैट इज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड साइज ऑफ द देशन जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं कैन 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 बी बी लोकल लेवल लेवल रीजनल हैल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट वो कर रही हैं अब किस साइज की ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ऑपरेट कर रही हैं और ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री वो कितना है इन दो चीजों को हमें बहुत क्रिटिकली वो देखना होगा ताकि हम ऐसे एविडेंस क्रिएट करें जो एविडेंस हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल कर सकें द थर्ड थिंग इज कि जिस कॉन्टेक्स में हम बात कर रहे हैं जिस कंट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं उस कंट्री के कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म कोलेक्टिविज्म की सिचुएशन कैसी है वहां पर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है या नहीं है वहां पर मेस्कुलटी एंड फेमिनिटी के एस्पेक्ट्स हैं इन तमाम चीज़ों को जो कल्चरल डायमेंशन होती हैं हम विजुअलाइज करते हैं कि किस कंट्री से बिलोंग हमारे प्रॉब्लम्स हैं और हमारे एविडेंस भी किस माहौल से वो जनरेट हो रहे हैं द फोर्थ थिंग वी नीड टू लुक एट इज द कल्चर और जब हम कल्चरल प्रस्पेक्टिव की बात करेंगे तो जाहिर है कि हर एक कल्चर या वो एडोप्टिव होगा फ्लेक्सीबल होगा चेंज ओरियंटेड होगा या वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वहां पर पॉलिसी स्ट्रक्चर्स वेल इंप्लीमेंटेड होंगे वहां पर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होगी सो अब हमारा कल्चर कैसा है हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिस कंपनी की हम डिस्कशन करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है और किस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही है ताकि हमारे एविडेंसेस, कल्चरल प्रस्पेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रस्पेक्टिव इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर वो किए जा सकें द सेकेंड थिंग नीड टू टॉक अबाउट कि जब हम एविडेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी कुछ की करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले की एविडेंस की ये होगी कि हम सिस्टमैटिक डेटा कलेक्ट करें ऐसा डाटा जो रैशनैलिटी पर बेस्ड हो ऐसा डाटा जिसके हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल हों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों तो हम सिस्टमेटिकली चीजों को एनालाइज करेंगे ताकि हमारे पास एक सोल्यूशन जो हासिल हो डिसीजन मेकिंग के लिए इनोवेशन के लिए वो कंक्रीट हो द सेकेंड थिंग द की ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट इज हमारे इंटरवेंशन पॉइंट्स क्या हैं जैसे आपको मालूम होगा कि इंटरवेंशन पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन है हमारे पास टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीकों से हम इंटरवेंशन लेकर आते हैं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए और डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज कि हमने माजी में जो जो फैसले किए उन फैसलों के नतीजे कैसे थे और अगर उनमें से कोई फैसला हमारा गलत था तो उसको हम अपने रिकॉर्ड में यकीन मैंशन करेंगे सो दैट वी शुड नॉट बी री इन्वेंटिंग द व्हील ताकि हम दोबारा अपनी मिस्टेक्स को रिपीट ना करें हमें ऑलरेडी पता हो कि हमारा फेलियर किन बुनियादों पर हुआ था और उन फेलियर से सीखना हमारे लिए बड़ा अहसन अमर होगा द फोर्थ थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट इज दैट एरर्स आर टॉलरेटेड एरर्स आर टॉलरेटेड का मतलब यह है कि गलती इंसान से हो सकती है फैसलों के दौरान भी और एविडेंस को कलेक्ट करने के दौरान भी तो हम कोशिश इस बात की करें कि हम अपनी गलतियों से सीखें और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम उन गलतियों को सीखते हुए फैसलों की विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कर सकें इसके अलावा हमारे पास जो चंद मजीद करेक्टरिस्टिक्स हैं एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में दे आर कि हमारा डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट हो तमाम स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो और उनके साथ हर किस्म का डाटा शेयर हो जब डेटा उनके साथ शेयर्ड होगा हम ओपन बुक मैनेजमेंट करेंगे तो उससे एक क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी वो क्रिएट होगी द सेकेंड थिंगेज और यह बात भी जहन में रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट गलत भी हो सकते हैं लेकिन हम अपने नुकसान से सीखेंगे अगर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट गलत साबित भी हो जाता है हमारा कोई एविडेंस साबित नहीं होता कि सोल्यूशन को प्रोवाइड करेगा तो उस सूरत में भी हमारी लर्निंग है बिकॉज हम अपनी मिस्टेक से लर्न करेंगे थर्ड थिंग दैट वी शुड बी है कल्चर जिसमें के होने से एक दूसरे के साथ मामला में हम बर्दाश्त के एलिमेंट को भी लेकर आएंगे और साथ ही साथ हम इस बात को भी इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे पास अनसर्टेनिटीज रिस्क वो अवेलेबल है और हमने उनको कैसे टैकल करना है द फोर्थ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एज ए कैटरिस्टिक ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग के चीज़ों को हम बड़ा तनकीदी जायजे के साथ वो लेकर चलें फैसलों को भी इनोवेशन को भी और अपने प्रॉब्लम को भी द फिफ्थ थिंग विच एज की एस्पेक्ट ऑफ एविडेंस बेस्ट मैनेजमेंट इज दैट वट एवर वी आर गोइंग टू डू दैट अवर एविडेंस शुड बी रिवॉर्डेड अगर किसी के बताए हुए फैसले से किसी के बताए हुए एविडेंस से हमारे मसले हल होते हैं तो हम उसको अप्रोप्रिएटली रिवॉर्ड करें ताकि एक फ़िज़ा ऑफ मोटिवेशन वो क्रिएट हो सके सो माई डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो हमें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली चीजों को विजुअलाइज करना है डाटा को क्रिटिकली एनालाइज करना है और इस तरीके से फैसला करना है कि जिस तरीके से इनोवेशन क्रिएटिविटी वो आ सके और हम ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अब एवरेज रिटर्न वो दे सकें थैंक यू